चंद्रपुर जिले में बाघ और मानव संघर्ष का सिलसिला चलता ही रहता है। बाघों के निवाले बने परिवार को मुआवजे के रूप में 8 लाख की राशि देने का प्रावधान जारी किया गया, लेकिन सर्पदंश की बलि चढ़े परिवार का क्या? यह सवाल चंद्रपुर गढ़चिरौली सर्प मित्रों ने उठाया। आपको बता दें कि चंद्रपुर गढ़चिरौली सर्प मित्र संगठन की ओर से नागपंचमी पर्व के अवसर पर सर्प मित्रों ने एक दिवसीय आंदोलन छेड़ा, जिनका मकसद वन विभाग से अपनी कुछ मांगे मनवाना था, जिनमें सर्पदंश से मरने वाले परिवार को भी 8 लाख का मुआवजा दिया जाए, सर्पदंश उपचार के लिए तुरंत आर्थिक मदद मुहैया की जाए। सर्पदंश को लेकर आज भी ग्रामीण या कई कस्बों में मंत्रोच्चार का चलन है, उसके लिए जन जागृति करे और सर्प मित्रों को वन विभाग की ओर से पहचान पत्र दिए जाए। इन सभी मांगों को लेकर सर्प मित्रों ने यह एक दिवसीय धरना दिया। चंद्रपुर गढ़चिरौली सर्प मित्र संघटने तर्फे नागपंचमी निमित्त आज इथे एक दिवसीय धरने आंदोलन करण्यात आले। यामध्ये प्रामुख्याने आमची प्रमुख पहिली मागणी ही आहे की ज्याप्रमाणे वाघाचा हल्ल्यात ठार झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना 8 लाख रुपये आर्थिक मदत देण्यात येते, त्याचप्रमाणे सर्पदंशाने जे व्यक्ती ठार होतात त्यांच्या कुटुंबियांना सुद्धा 8 लाख रुपये आर्थिक मदत देण्यात यावी। त्याचप्रमाणे ज्यांना सर्पदंश होतो त्यांना उपचारासाठी तातडीने खर्च देण्यात यावा। यासोबतच जे सर्पमित्र सापांना पकडण्याचं कार्य हिरिरीने करत आहे त्यांना वन विभागातर्फे ओळखपत्र देण्यात यावे। आणि यासोबतच ग्रामीण भागामध्ये आजही सर्पदंशाबाबत बरेच अंधश्रद्धा आहे, मंत्रोपचार सर्पदंशावर मोठ्या प्रमाणावर होत आहे, त्यासाठी सर्पदंशाबाबत ग्रामीण भागामध्ये जनजागृती करण्यात यावी। इन मांगों को लेकर सर्प मित्रों ने मुख्यमंत्री और वन मंत्री को निवेदन भी पहुंचाया है। यह आंदोलन वन संरक्षक वन भवन के सामने किया गया। या प्रमुख मागण्याला घेऊन आम्ही माननीय मुख्य वन संरक्षक चंद्रपूर यांच्याकडे निवेदन घेऊन गेलो आणि त्यांच्या मार्फत आम्ही प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य आणि वन मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना निवेदन सादर केले, जिसमें कई सर्प मित्र शामिल थे।